गिरफ्तारी हुई है और भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है सर, क्या मामला है सर? एक मामला संज्ञान में आया था कि एक व्यक्ति जो है वह यूपी से टोटो में छिपा करके शराब लेकर के आ रहा है। मेरे द्वारा एक टीम मनीष मित्र बनाया गया एसएचओ नया भोजपुर, उस टोटो को रोक करके देखा गया तो उसमें कुल 460 पीस 8 PM की अंग्रेजी शराब प्रति पीस 180 ml जो है 82.8 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया एवं दो व्यक्ति जो उसमें थे ले जा रहे थे गोलू वर्मा और राजू कुमार दोनों गिरफ्तार किया गया। एक मोबाइल जब्त किया गया, टोटो जब्त किया गया और दो अन्य व्यक्ति जो अनुसंधान का विषय है जिसमें बात आ रही है कि उनके लिए माल ले जाया जा रहा था उन पर प्राथमिकी अंकित की गई है, अगर तो अनुसंधान के बाद उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर बक्सर से बक्सर के रास्ते सर ये शराब आ रहा था और बीच में चेक पोस्ट भी पड़ता है और बीच में अन्य कई थाने भी पड़ते हैं, सबको ये पार कर चुका था सर, तो क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये पुलिसिया विफलता है? पुलिसिया विफलता नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि यह एक नया तरीका था इसका। ई रिक्शा में कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि यात्री के बैठने वाले सीट पे, ड्राइवर के बैठने वाले सीट में बॉक्स बना करके और दारू भर के वो ले आएगा 8 PM का। ये नया तरीका था, इस पे भी ध्यान रखा जाएगा। सर पकड़े गए तस्करों पर क्या पहले से भी कोई कांड या मुकदमा दर्ज है? नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन ये मांगा जाएगा, अनुसंधान का विषय है। ये एक व्यक्ति जो गोलू वर्मा है, पिता मुन्ना वर्मा, वो सोहनी पट्टी बक्सर का रहने वाला है, टाउन थाना का। राजू कुमार पिता जहेज प्रसाद, यह जो है थाना सकुरवा जिला जहानाबाद का रहने वाला है। और दो अन्य व्यक्ति का नाम आ रहा है, पूछताछ में इन्होंने बताया है कि हम लोग यूपी से माल लेकर के आ रहे थे और टोटो होने के कारण यात्री बैठा रहता है तो कोई व्यक्ति शक नहीं करेगा, लेकिन हमें सूचना मिली कि इस टोटो में शराब है, उसको रोका गया, तलाशी ली गई और इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की, उन्हें गिरफ्तार किया गया। ठीक है।